हेलो दोस्तों, तो क्या सो क्या आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस, एक भाई की कमेंट आई थी। वो भाई बोल रहा था कि विक्की भाई कमेंट देख लेते पहले। तो ये भाई बोला था, विक्की भाई इंडिया से फ्रेशर आके मलेशिया पे ड्राइवर जॉब मिलेगा क्या? तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मलेशिया के अंदर जो अपने इंडिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम अभी हुआ हुआ है ऑनलाइन वाला, जैसे मलेशिया में जो टैक्सी चलती है या फिर ग्रैब चलती है, अपने इंडिया के अंदर उबेर चलती है, यहाँ पर भी उबेर चलती है। तो अभी क्या है कि आपको टैक्सी का वेट करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन, आपको जहाँ भी जाना है आप ऑनलाइन बुक करें और आसानी से जाके उसमें जाके बैठे और जहाँ पर भी आपको जाना है आसानी से जाए। तो टैक्सी की अभी बहुत कम डिमांड हो गई है क्योंकि लोगों को वेट करने पसंद नहीं है। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए टैक्सी का बहुत ही कम यूज़ करते हैं कहीं जा आने जाने में, तो घर बैठे ऑनलाइन बुक करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं आप मलेशिया में आएंगे, आप ड्राइवर की जॉब करेंगे, तो एक लिमिट होती है। जैसे अपने इंडिया के अंदर भी जो उबर चलती है ना, उसके लाइसेंस बनते हैं, जो उसकी लिमिट होती है, हर स्टेट के अंदर लिमिट है, वहाँ के जो लोकल आदमी है उसके हिसाब से वहाँ पर लिमिट दी जाती है। हर एक साल मतलब 2,000-3,000 लाइसेंस निकलते हैं, तो उसी हिसाब से मलेशिया के अंदर जो लोकल आदमी है उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। बाहर के आदमी यहाँ पर उबेर, ग्रैब या फिर टैक्सी नहीं चला सकते। यहाँ पर आप मलेशिया में आके देखेंगे, आपको सिर्फ लोकल आदमी ही ड्राइवर की जॉब करता मिलेगा, जो मतलब पैसेंजर को इधर उधर ड्रॉप करना होता है, जैसे नॉर्मली पहले टैक्सी चलती थी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है आप अंडर कंपनी आ सकते हैं। अंडर कंपनी आने का तरीका मैं आपको बताएगा कि आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप पैसे एजेंट के थ्रू आएंगे ना मलेशिया में, आपको ड्राइवर की जॉब बहुत मुश्किल मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो आपको किसी फैक्ट्री कंपनी में मिलेगी, अगर आपके पास लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है। जैसे जो पर्सनल ड्राइवर की जॉब होती है ना, जैसे सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर जो बड़े बड़े से पर्सनल ड्राइवर रखते हैं, मलेशिया के अंदर तो वैसे ही बेरोजगारी, यहाँ के लोकल लोगों के पास खुद काम नहीं होता। तो जो यहाँ पर जो रिच फैमिली होती है, यहाँ पर दातू बोलते हैं, तो जो दातू फैमिली होती है वो खासकर यहाँ के जो पर्सनल ड्राइवर रखते हैं वो लोकल आदमी को ही रखती है, बाहर के आदमी पे विश्वास नहीं करते। जो फॉरनर है उन पे पर्सनल ड्राइवर पे विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन जो फॉरनर है वो कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर या फिर बड़ी बड़ी जो लोरियाँ चलाते हैं वो चला सकते हैं। वो भी आपको कंपनी का वीजा लेना पड़ेगा, और पर्सनल ड्राइवर के लिए आपके पास DP-10 वीजा होना चाहिए। DP-10 वीजा एक जैसे एक बिजनेस वीजा होता है, उसमें आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको कंपनी बनानी होती है DP-10 वीजे के लिए, और DP-10 वीजा बना के आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी लेनी पड़ती है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो हम पर्सनल ड्राइवर की बात कर रहे थे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख लेना, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताएगा। और जो ये जॉब का लिंक है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल ड्राइवर के लिए मैं आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट आएंगे, आपको पर्सनल जो ड्राइवर होती है, जो फैमिली वगैरह ड्राइवर रखते हैं ना, उसकी जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपका जो रिज्यूम है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका बात करने का तरीका, आपसे जैसे वो वीडियो कॉल पे बात करेंगे या फिर आपसे मेल द्वारा या फिर जैसे भी आपसे बात करेंगे, अगर आप पसंद आ जाते हैं तो आप पर्सनल ड्राइवर के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप जॉब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, पार्ट टाइम भी होती है, जैसे सामान छोड़ने के लिए जो लोरी ड्राइवर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर पर्सनल ड्राइवर की जो सैलरी है ना, स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये, तो यहाँ पर मलेशिया विद एटलीस्ट 10 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर पर्सनल ड्राइवर। तो यहाँ पर ये पाम पाम वन स्टॉप सर्विस सॉल्यूशन, तो ये कुआलालंपुर के अंदर जॉब है, पुल ड्राइवर की जॉब है। सैलरी इसमें बताइए 2500 से 3500 मलेशियन रिंगिट, अम्पंग जा के अंदर जॉब है ये। तो ये 2 दिन 3 दिन पहले डाली हुई, यहाँ पर आपको बहुत सारी हजारों जॉब मिल जाएंगी ड्राइवर से रिलेटेड। तो आप अपना जो लक है आप आजमा के देखें ऑनलाइन में, क्योंकि नॉर्मली अगर आप मलेशिया में आएंगे ना, अगर आपका कोई दोस्त काम करता है किसी फैक्ट्री में, कंपनी में,
तो वहां पर आपकी बात बन सकती है, जान पहचान है आपके पास, लाइसेंस है आपके पास, वर्क परमिट है प्रॉपर आपके पास, लीगल तरीके से आप मलेशिया में रह रहे हैं और आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती है, तो आपका ट्रायल होता है तो आपको ड्राइवर जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट आएंगे आप किसी पर्सनल जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल है मलेशिया के अंदर। हाँ लेकिन आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे पर्सनल ड्राइवर की काफ़ी सारी जॉब है, तो ये जो स्टार्टिंग सैलरी है ना ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब रिच फैमिली है या फिर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर पर्सनल ड्राइवर की मैक्सिमम सैलरी 1800 से 2000 रिंगिट है मलेशियन। उसके बाद फिर वो बंदे का बिहेव देखते हैं कि कैसा बंदा, ये अच्छे से गाड़ी चलाता है नहीं चलाता है। जब 1 साल 2 साल हो जाते हैं तो सैलरी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सैलरी है, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल है, काफी सारी जॉब है यहाँ पर। आप इन इन जॉब पे ट्राई करके देखे, काफी सारी यहाँ पर जॉब है, सैलरी भी लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। पर्सनल ड्राइवर टू डायरेक्ट मलेशियन रिंगिट 2000 से 3000 पर मंथ, साइबर जाया के अंदर ये कंपनी है। और यहाँ पर ये फोर्कलिफ्ट की भी है, जो फैक्ट्री कंपनियों के अंदर फोर्कलिफ्ट मशीन होती है, अगर आपको चलानी आती है तो आप अपना जो रिज्यूम है रिज्यूम अच्छे से तैयार करें और आपकी जो भी आपने जो भी स्टडी किया है उसके एक्सपीरियंस से, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसकी अच्छे से एक फाइल बनाए, आप PDF बनाए और यहाँ पर आप सबमिट करके देखें। जॉब का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब है, आप ऑनलाइन ट्राई करके देखें। आप ये नहीं कह रहा कि आप एक एक ही जॉब पे ट्राई करके देखें, आप एक साथ मतलब 10-12 जॉब पे आप अपना रिज्यूम भेजें और वहाँ से अगर आपको बाई मेल आपसे कॉन्टैक्ट किया जाता है तो उनसे बात करें, उसके बाद वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे या फिर आपको कोई भी मतलब मेल द्वारा कोई रिप्लाई आता है तो उनसे बात करें। पर्सनल ड्राइवर की जॉब ऐसे मिलेगी। हाँ लेकिन फैक्ट्री कंपनियों के अंदर तो जैसे अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं ना, एजेंट दिला देते हैं, एजेंट को क्या होता है, एजेंट को पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप एजेंट को बोलेंगे कि मुझे अच्छा खासा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मुझे लॉरी चलानी आती है, वैन चलानी आती है या फिर या कोई आपने कार चलाई है, तो उस हिसाब से आप अपने एजेंट से बात करें, ड्राइवर की जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। हाँ वही बात करें जैसे टैक्सी ड्राइवर की जॉब यहाँ पर बहुत मुश्किल मिलेगी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज टैक्सी का अलग से लाइसेंस बनता है। वो जो फैसिलिटी यहाँ पर लोकल लोगों के लिए है, उसके लिए एक रास्ता आपके पास, अगर आप यहाँ मलेशिया में आ जाते हैं, अगर आप यहाँ किसी लोकल लड़की से शादी करते हैं ना, उसके बाद आपके पास चांस हो जाती है, आपका लाइसेंस भी, आपका इवन आपका जो पासपोर्ट है मलेशियन पासपोर्ट भी बन जाएगा और जो मलेशियन सिटीजन है वो भी मिल जाएगी। उसमें चाहे आप बिजनेस करें या फिर जो भी काम ड्राइवर का करें या कोई भी आप काम करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो आप जिससे शादी करेंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे फाइल बना के उसके साइन जो भी सिग्नेचर होंगे वहाँ पर उसके चलेंगे, तो उसके उसके जरिए आपको बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्रेशर आप आएंगे एजेंट के थ्रू आएंगे तो आपको पर्सनल ड्राइवर की जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि जैसे अपने इंडिया के अंदर उबेर चलाते हैं ना, जो जैसे टैक्सी ड्राइवर ऑनलाइन सिस्टम वाली ऑनलाइन में बुक होती है, यहाँ पर काफ़ी चलती है, 2-3 मैं भी घूमा हूँ, जैसे उबेर हुई या अपने वहाँ उबर बोलते हैं, यहाँ पर उबेर है और एक ग्रैब ग्रैब कार है, फिर काफ़ी सारी है, मतलब लाला मुँह के अंदर सामान भेजना होता है जैसे ये पार्सल वगैरह या फिर कोई भी हैवी सामान जो घर का फर्नीचर वगैरह कुछ भी सामान आपको भेजना है तो वो भी चलता है। आप ऑनलाइन वाला भी कर सकते हैं, अगर आपके पास DP10 वीजा है ना, तो अगर आप यहाँ पर गाड़ी ले लेते हैं आप उसको ऑनलाइन में चढ़ा दे, जैसे लाला मुँह में चढ़ा दे या फिर जो डिलीवरी वगैरह जो भी सामान भेजने का काम होता है आप उस पे अपने लाइसेंस बनवा के आप ऑनलाइन में चढ़ा दे उसको, तो जब जिसको भी जरूरत होगी ना वो आपसे डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको आपकी सर्विस चाहिए होगी वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ऑनलाइन में।
तो ड्राइवर जो मैं सैलरी की बात करें, सैलरी मैंने आपको शो कर दी है, आप ऑनलाइन में जाके भी चेक कर सकते हैं, आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सैलरी मिलेगी। जैसे आप किसी फैक्ट्री कंपनी में जाते हैं ना, तो फैक्ट्री कंपनियों के अंदर भी सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जाती है। आप लॉरी चलाते हैं, कार चलाते हैं, वैन चलाते हैं या फिर पोरक्लिप चलाते हैं, उसके हिसाब से मैक्सिमम सैलरी मलेशिया में ड्राइवर की 3,000 रिंगिट आराम से महीने के कमा सकता है, अगर आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास आपका खुद का वीज़ा DP-10 वीज़ा है, या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, या जिस चीज़ का भी मतलब आपके पास वीज़ा ना, उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। अगर कंपनी एग्री हो जाती है तो उसमें आपको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा खुद का है तो आपको जो कंपनी की फैसिलिटी होती है ना, वो फैसिलिटी आपको पूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अंडर कंपनी काम कर रहे हैं, आप अंडर कंपनी एज किसी एजेंट के थ्रू अंडर कंपनी में आते हैं ना, तो आपको सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे हॉस्टल वगैरह या फिर जो भी मतलब फूड अलाउंस होता है, वो आपको सब कुछ मिलेगा, इवन बोनस भी आपको मिलेगा। आप खुद आते हैं, आप खुद परमिट वगैरह लगवाते हैं, आप खुद की कंपनी बना लेते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा है। उसमें आप चाहे ऑनलाइन भी सर्विस कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में भी आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको ये काफ़ी सारी जॉब बताई, आप इन जॉब पे ट्राई करके देखें और अपना लक आजमाएं। आप एक साथ 10 से 15 जो जॉब है मैंने आपको दिखाई है, इन पे अपना जो रिज्यूम है, आपकी जो CV है, वो अपलोड करें और वहाँ से ईमेल आने का वेट करें। अगर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाता है तो आपका लक काम करेगा, 100% काम करेगा। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो 100% करेगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, आप किसी एजेंट के चक्कर में पैसे भी फंसा देंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि एजेंट 70-80% झूठ ही बोलते हैं। आपको बोलेंगे कि इतनी सैलरी मिलेगी, रूम मिलेगा, खाना मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मलेशिया के अंदर। इधर अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, आप इधर आएंगे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये सच्ची है या फिर झूठी है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी काफ़ी साल हो गए मलेशिया के अंदर, तो मेरे को मालूम है कि कौन सी जॉब कैसे मिलेगी और कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। और एक भाई का कमेंट आया, हो भाई बोल रहा है, विकी भाई आपकी जो जर्नी है इंडिया टू मलेशिया कैसी रही है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो फिलहाल मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ भाई। जब सही वक्त आएगा मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।